अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज द बुकर। मैं ना जी आज कसम सिंह साहब है गए ने जो कि पाकिस्तान जी कारोबार कर रहे ने जी। कसम सिंह साहब मैंने दस्यो सिद्धू मूसे वाले ना की होया सी और कतल कितना किया गया। जी सिद्धू भाई उन्होंने सिंगर के बिचों से जिन्होंने बहुत घट समय के बेच ना बहुत नाम कमा लिया। कुछ उत्थे दे मेंबर ऐसे सन जिन्हों को उन्होंने तरक्की बर्दाश्त नहीं सी होंगी तो उन्होंने सिद्धू बाई का टारगेट किलिंग की, उन्होंने फायर किए गए। 8 बंदे सन जिन्होंने उन्होंने फायर किए ने ऑटोमैटिक गन्ना दे नाल। अपने बचाव के सिद्धू बाई ने 2 फायर किए सन लेकिन गोलियां ज़्यादा लगन की वजह ना वो नहीं अपना होश संभाल सके तो वो शहीद हो गए। तो सिद्धू बहुत अच्छा इंसान सी, बहुत ऐसा बंदा सी जिन्हें बहुत घट समय के इन्नी तरक्की करन के बावजूद भी अपने पिंड ना जुड़िया रहा, अपनी जमीन ना जुड़िया रहा। वो खेतीबाड़ी भी करता सी, अपना सिंगिंग भी करता सी, लेकिन वो अपने पिंड तक रहा। उन्हें अपने पिंड बहुत अच्छी अपनी मेहनत की कमाई के नाल कोठी पाई, महिला वर्गी कोठी, लेकिन उसदे विच रहना नसीब नहीं होया। सिद्धू अपनी माँ के बहुत करीब सी, माँ को बहुत गहरा सदमा लगा है। मुहब्बत की यह मिसाल है कि सिद्धू बाई ने 2 कुत्ते पाले सी। जिदन दे सिद्धू बाई की डैथ हुई है उस तो बाद अज तक वो कुत्तियां ने कुछ खाधा पीता नहीं। इस तो वड्डी मुहब्बत की मिसाल नहीं दी जा सकती। तो अपना सियासत जी चला गया सिद्धू सिद्धू भाई ने। हाँ जी, कांग्रेस वालों उन्होंने इलेक्शन भी लड़िया सी MNA का। अच्छा। तो जिदे विच उन्होंने अपने बहुत सारे ऐसे काम किए गए जिदे विच आवाज नहीं सी उठाई गई। उन्होंने वीडियो भी चलती पई सी, एक मुस्लिम यूथ के उत्ते उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया। अच्छा। तो भाई लड़न झगड़न वाला बंदा नहीं सी हैगा। ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 295। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ 295 ਨਿਕਲੇ ਕਿ 29-5 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸਤੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਉੱਧਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ।